पाठक के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो फाइनल फैसला तो 23 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए को साफ साफ बढ़त नजर आ रही है। जाहिर है एनडीए और बीजेपी इससे खुश है और इसके फेवर में बात कर रही है, वहीं जो दूसरे दल हैं उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। एंटरटेनमेंट इसे बताया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को सही बताया है। गिलवा ने न्यूज 18 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा कि न्यूज 18 ने देश के मतदाताओं की सोच का सही आकलन किया है। न्यूज 18 मुझे लगता है 100% सही है। एग्जिट पोल जो आया, मैं उसका पुरजोर समर्थन भी करता हूँ। यदि आप देखेंगे तो अपने इस भारत देश में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी राज्यों के चुनाव को यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पुरजोर समर्थन मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नारा भी था हमारा, आपकी बार 300 के पार। और चुनाव के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे बहुमत को लेकर जेएमएम के विधायक कुणाल षडंगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के संदर्भ में ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उनसे बात की संवाददाता अन्य अमृता ने। ये तो 23 को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं और हमारे साथ विपक्ष के तेज तरार नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और बहरागुड़ा के विधायक कुणाल षडंगी जी खुद मौजूद हैं। आइए उनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं उनकी। कुणाल जी, एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, एग्जिट पोल्स कभी भी जो रियलिटी है ग्राउंड की उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अभियों में बैठ के कुछ लोग आकलन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संभवतः जीवन में पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा है, वो आज बैठकर लोकसभा में कौन जीतेगा हारेगा इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और आकलन कर रहे हैं। तो इसलिए जनता का फैसला है, जनता के फैसले को आने दीजिए। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं झारखंड में, जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की विचारधाराओं को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ बहुत भारी बहुमत के साथ महागठबंधन जीतने जा रहा है। वहीं धनबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह ने एग्जिट पोल में 300 से अधिक के आंकड़े को विश्वसनीय बताया है। पीएन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने काम के आधार पर एक बार फिर वापसी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एनडीए का नहीं है, या मीडिया का है, या जो एग्जिट पोल आया है विभिन्न मीडिया के द्वारा। और अगर हमें मीडिया पर विश्वास है तो एग्जिट पोल पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि सबसे हल्के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेसी बंधुओं को कहा था, मुस्लिम भाइयों को कहा था, जो हमसे जानना जिज्ञासा कि कौन या कृति आज़ाद आ रहे हैं, तो उन्हें मैंने उनसे कहा था